पातिव्रत धर्म की मूर्त रूप सती सावित्री के चरित्र के बारे में जानने के लिए आप सभी का आध्यात्मिक और धार्मिक चैनल में स्वागत है। आइए इस प्रसंग में उद्धृत कथानक को जानते हैं। मद्र देश में अश्वपति नाम के एक बड़े ही धार्मिक और ब्राह्मण सेवी राजा थे। वे अत्यंत उदार हृदय, सत्यनिष्ठ, जितेंद्रिय, दानी, चतुर, पुरवासी और देशवासियों के प्रिय, समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले और क्षमाशील थे। सावित्री देवी की उपासना करने पर उन्हें उनकी कृपा से एक कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम ब्राह्मणों और राजा ने सावित्री रखा। सावित्री को युवती देखकर उसके गुणों के अनुरूप कोई वर न मिलने पर राजा अश्वपति ने एक दिन उससे कहा, बेटी, तू अपने योग्य वर को स्वयं ही खोज ले, क्योंकि धर्मशास्त्र की आज्ञा है कि विवाह के योग्य हो जाने पर जो कन्यादान नहीं करता वह पिता निंदनीय है। अतः तू शीघ्र ही वर की खोज कर ले। पुत्री से यों कहकर उन्होंने अपने बूढ़े मंत्रियों को आज्ञा दी कि आप लोग सवारी लेकर सावित्री के साथ जाएं। तपस्विनी सावित्री ने कुछ सकुचाते हुए पिता की आज्ञा स्वीकार की और उनके चरणों में नमस्कार करके सोने के रथ में चढ़कर बूढ़े मंत्रियों के साथ वर की खोज करने के लिए चल दी। वह राजर्षियों के रमणीय तपोवनों में गई और उन माननीय वृद्ध पुरुषों के चरणों की वंदना करके फिर क्रमशः अन्य सब वनों में भी विचरती रही। एक दिन मद्र राज अश्वपति अपनी सभा में बैठे हुए देवर्षि नारद से बात कर रहे थे। उसी समय मंत्रियों के सहित सावित्री समस्त तीर्थों में विचर कर अपने पिता के घर पहुंची। उसने पिताजी तथा नारद जी को भी प्रणाम किया। उसे देखकर नारद जी ने पूछा, राजन, यह युवती हो गई है, फिर भी आप इसका विवाह क्यों नहीं करते? अश्वपति ने कहा, इसे मैंने वर खोज लेने के लिए ही भेजा था और यह आज ही लौटी है। आप इसी से पूछिए इसने किसको चुना है। फिर पिता के यह कहने पर कि तू अपना वृत्तांत सुना, सावित्री ने कहा, शाल्व देश के राजा ग्युमत सेन राज्य छिन जाने से वन में तपस्या कर रहे हैं। उनके कुमार सत्यवान मेरे अनुरूप हैं और मैंने मन से उन्हीं को अपने पति रूप से वरण किया है। राजा ने नारद जी से पूछा, राजकुमार सत्यवान, तेजस्वी, बुद्धिमान, क्षमावान और शूरवीर तो है ना? नारद जी बोले, वह ग्युमत सेन का पुत्र सूर्य के समान तेजस्वी, बृहस्पति के समान बुद्धिमान, इंद्र के समान वीर, पृथ्वी के समान क्षमाशील, रंति देव के समान दाता, उशी नर के पुत्र शिबी के समान शरणागत रक्षक, ब्रह्मान्य और सत्यवादी, ययाति के समान उदार, चंद्रमा के समान प्रियदर्शन और अश्विनी कुमारों के समान अद्वितीय रूपवान है। वह जितेंद्रिय, मृदुल स्वभाव, शूरवीर, मिलनसार, ईर्ष्याहीन, लज्जाशील और तेजस्वी हैं। अश्वपति ने कहा, आप उसे सभी गुणों से संपन्न बता रहे हैं, यदि उसमें कोई दोष हो तो वे भी बताइए। नारद जी बोले, उसमें एक दोष है जिससे उसके सारे गुण दबे हुए हैं। वह दोष यह है कि आज से ठीक एक वर्ष बीतने पर सत्यवान देह त्याग देगा। तब राजा ने सावित्री से कहा, बेटी, तू पुनः जाकर दूसरे वर की खोज कर। इस पर सावित्री बोली, पिताजी, भाई भाई के हिस्से का बंटवारा एक बार ही होता है, कन्यादान एक बार ही किया जाता है और मैंने दिया ऐसा संकल्प भी एक बार ही होता है। ये तीन बातें एक एक बार ही हुआ करती हैं। अब तो जिसे मैंने एक बार वरण कर लिया वह दीर्घायु हो अथवा अल्पायु तथा गुणवान हो अथवा गुणहीन, वही मेरा पति होगा। किसी अन्य पुरुष को मैं नहीं वर कर सकती। पहले मन से निश्चय करके फिर वाणी से कहा जाता है और उसके बाद
कर्म द्वारा किया जाता है, अतः इसमें मेरे लिए मेरा मन ही प्रमाण है। नारद जी बोले, राजन, सावित्री की बुद्धि निश्चयात्मिका है, इसे किसी भी प्रकार इस धर्म से विचलित नहीं किया जा सकता, अतः इसका सत्यवान के साथ विवाह कर देना ही ठीक जचता है। यह कहकर नारद जी चले गए। नारद जी की आज्ञा मानकर राजा अश्वपति वैवाहिक सामग्री तथा ब्राह्मणों को साथ लेकर कन्या के सहित राजा ग्युमत सेन के आश्रम में गए। वहां उन्होंने नेत्रहीन राजा ग्युमत सेन को साल वृक्ष के नीचे कुशासन पर बैठे देखा और उनकी यथा योग्य पूजा की तथा विनीत शब्दों में अपना परिचय दिया। राजा ग्युमत सेन ने अर्घ्य और आसन आदि से राजा का सत्कार किया और पूछा, कहिए किस निमित्त से पधारने की कृपा की। तब अश्वपति ने कहा, राजर्षे, मेरी यह सावित्री नाम की रूपवती कन्या है, इसे आप धर्मानुसार पुत्र वधु के रूप में स्वीकार कीजिए। ग्युमत सेन ने कहा, हम राज्य से भ्रष्ट हो चुके हैं और यहाँ वन में रहकर संयम पूर्वक तपस्वियों का जीवन व्यतीत करते हैं। आपकी कन्या तो यह सब कष्ट सहन करने योग्य है नहीं। अश्वपति बोले, राजन, सुख दुख तो आने जाने वाले हैं, इस बात को मैं और मेरी पुत्री दोनों जानते हैं। मैं तो सब प्रकार निश्चय करके ही आपके पास आया हूँ। तब राजा ग्युमत सेन ने उनकी बात स्वीकार कर ली और आश्रम के सब ब्राह्मणों को बुलाकर दोनों राजाओं ने विधिवत विवाह संस्कार कराया। राजा अश्वपति ने वर कन्याओं को आभूषण आदि भी दिए। फिर राजा अश्वपति बड़े आनंद से अपने भवन को लौट आए। उस सर्व गुण संपन्ना भार्या को पाकर सत्यवान को बड़ी प्रसन्नता हुई और अपना मनमाना वर पाकर सावित्री को भी बड़ा आनंद हुआ। पिता के चले जाने पर सावित्री ने सब वस्त्राभूषण उतार दिए और वलकल वस्त्र पहन लिए। उसकी सेवा, गुण, विनय, संयम और सबके मन के अनुसार काम करने से सभी को बहुत संतोष हुआ। उसने सेवा और वस्त्राभूषणों के द्वारा सास को और देवता के समान सत्कार करते हुए अपनी वाणी का संयम करके ससुर जी को संतुष्ट किया। इसी प्रकार मधुर भाषण, कार्य कुशलता, शांति और सेवा करके पतिदेव को प्रसन्न किया। इस प्रकार वह उन सब की सेवा करने लगी। जब बहुत दिन बीत गए तब अंत में वह समय भी आया जिस दिन सत्यवान मरने वाला था। जब 4 दिन शेष रह गए तब सावित्री ने 3 दिन का व्रत किया और 4th दिन सूर्योदय के साथ ही सब आहनिक कृत्य समाप्त किया तथा सभी ब्राह्मण, बड़े बूढ़े, सास और ससुर को प्रणाम किया। जब सत्यवान कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर वन से समिधा लाने के लिए तैयार हुआ तब सावित्री ने कहा, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। सत्यवान बोला, प्रिय, तुम उपवास के कारण भूखी हो और वन का रास्ता बड़ा कठिन होता है। सावित्री ने कहा, उपवास के कारण मुझे थकान नहीं है, मेरे मन में उत्साह है। सत्यवान बोला, अच्छा, यदि तुम्हें चलने का उत्साह है तो चल सकती हो, किंतु माताजी और पिताजी की आज्ञा ले लो। तब सावित्री ने अपने सास ससुर को प्रणाम करके कहा, मेरे स्वामी वन में जा रहे हैं, यदि आप लोग आज्ञा दें तो आज मैं भी इनके साथ जाना चाहती हूँ। इस पर द्युमत सेन बोले, जब से तू हमारे आश्रम में आई है तब से मुझे तुम्हारी किसी भी बात के लिए याचना करने का स्मरण नहीं है, अतः बेटी तू जा सकती है। इस प्रकार सास ससुर की आज्ञा पाकर सावित्री अपने पति सत्यवान के साथ चल दी। सत्यवान ने पहले तो अपनी पत्नी के सहित फल बीन कर एक टोकरी भर ली और फिर वह लकड़ियां काटने लगा। उस समय श्रम के कारण उसके सिर में दर्द हो गया। उसने सावित्री के पास जाकर कहा, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, सारे शरीर में दाह सा होता है, अतः मैं सोना चाहता हूँ।
यह सुनकर सावित्री पति के पास आई और इसका सिर गोदी में रखकर पृथ्वी पर बैठ गई। इतने में ही उसने वहां सूर्य के समान तेजस्वी, मुकुटधारी, श्याम शरीर, लाल वस्त्र पहने और हाथ में पाश लिए हुए एक पुरुष को देखा। सावित्री पति का सिर जमीन पर रखकर खड़ी हो गई और बोली, आप कौन हैं और क्या करना चाहते हैं? यमराज ने कहा, सावित्री मैं यमराज हूँ, तेरे पति की आयु समाप्त हो चुकी है, अतः मैं इसे ले जाऊंगा। सावित्री बोली, भगवान मनुष्यों को लेने के लिए तो आपके दूत आया करते हैं, यहाँ स्वयं आप ही कैसे पधारे? यमराज ने कहा, सत्यवान धर्मात्मा और गुणों का समुद्र है, यह मेरे दूतों द्वारा ले जाने योग्य नहीं है, इसी से मैं स्वयं आया हूँ। इसके बाद यमराज ने सत्यवान के शरीर से अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाले सूक्ष्म शरीरधारी जीवात्मा को निकालकर पाश में बांधा और दक्षिण की ओर चल दिए। तब सावित्री भी उनके पीछे पीछे चली। यह देखकर यमराज ने कहा, सावित्री तू लौट जा और इसका औरथिव दैहिक संस्कार कर, तू पति सेवा के ऋण से मुक्त हो गई है। सावित्री बोली, मेरे पतिदेव जहाँ जाएंगे वहीं मुझे भी जाना चाहिए, यही सनातन धर्म है। तपस्या, गुरु भक्ति, पति प्रेम, व्रताचरण और आपकी कृपा से मेरी गति कहीं भी नहीं रुक सकती। यमराज बोले, सावित्री तेरी युक्ति युक्त बात सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तू सत्यवान के जीवन के सिवा कोई भी वर मांग ले। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर राज्य भ्रष्ट होकर वन में रहते हैं और उनकी आंखें भी जाती रही हैं, वे आपकी कृपा से नेत्र प्राप्त करें तथा बलवान और तेजस्वी हो जाएं। यमराज बोले, सावित्री तूने जो कुछ कहा है वैसा ही होगा, अब तू लौट जा जिससे तुझे विशेष श्रम ना हो। सावित्री ने कहा, पतिदेव के समीप रहते हुए मुझे श्रम कैसे हो सकता है, जहाँ मेरे प्राणनाथ रहेंगे वहीं मैं भी रहूँगी। इसके सिवा एक बात यह है कि सत्पुरुषों का तो एक बार का समागम भी अत्यंत अभीष्ट होता है, उससे भी बढ़कर उनके साथ प्रेम हो जाता है। संत समागम निष्फल कभी नहीं होता, अतः सर्वदा सत्पुरुषों के साथ ही रहना चाहिए। यमराज बोले, सावित्री तूने तो हित की बात कही है, वह मुझे बहुत अच्छी लगती है, अतः इस सत्यवान के जीवन के सिवा तू दूसरा वर और मांग ले। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर जी का राज्य छीन लिया गया है, वह उन्हें स्वयं ही प्राप्त हो जाए और वे अपने धर्म पर डटे रहें। यमराज बोले, ऐसा ही होगा, अब तू लौट जा। सावित्री ने कहा, देव इस सारी प्रजा का आप नियमन करते हैं, इसी से आप यम कहे जाते हैं तथा मन वचन और कर्म से समस्त प्राणियों के प्रति अद्रोह, सब पर कृपा करना और दान देना, यह सत्पुरुषों का सनातन धर्म है। यमराज बोले, कल्याणी तेरी बात मुझे बड़ी प्रिय लगती है, तू सत्यवान के जीवन के सिवा तीसरा अभीष्ट वर और मांग ले। सावित्री ने कहा, मेरे पिताजी राजा अश्वपति पुत्रहीन हैं, उनके 100 बरस पुत्र हूँ। यमराज बोले, तेरे पिता के 100 पुत्र होंगे, अब तू लौट जा, बहुत दूर आ चुकी है। सावित्री ने कहा, पति देव की सन्निधि के कारण मुझे कुछ भी दूरी नहीं जान पड़ती, आप शत्रु मित्रादि के भेदभावों को छोड़कर सबका समान रूप से न्याय करते हैं, इसी से सब प्रजा धर्म का आचरण करती है और आप धर्मराज कहलाते हैं। इसके सिवा सुहृद होने के कारण सत्पुरुषों के प्रति लोग अपने से भी अधिक विश्वास और प्रेम करते हैं। यमराज बोले, सावित्री तूने जैसी बात कही है वैसी मैंने तेरे सिवा और किसी के मुंह से नहीं सुनी, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तू सत्यवान के जीवन के सिवा कोई भी चौथा वर मांग ले। सावित्री ने कहा, सत्यवान के द्वारा मेरे 100 औरस पुत्र हों। यमराज बोले, तेरे भी 100 पुत्र होंगे,
राजपुत्री अब तू लौट जा। तब सावित्री ने कहा, सत्पुरुषों की वृत्ति निरंतर धर्म में ही लगी रहती है, वे कभी दुखित या व्यथित नहीं होते, तथा यह सनातन सदाचार सत्पुरुषों द्वारा सेवित है। यह जानकर सत्पुरुष परोपकार करते हैं और प्रत्युपकार की ओर कभी दृष्टि नहीं डालते। यमराज बोले, पतिव्रते, जैसे जैसे तू मुझे गंभीर अर्थ से युक्त एवं चित्त को प्रिय लगने वाली धर्मानुकूल बातें सुनाती जाती है, वैसे वैसे ही तेरे प्रति मेरी अधिकाधिक श्रद्धा होती जाती है। अब तू मुझसे कोई अनुपम वर मांग ले। सावित्री ने कहा, देव, आपने मुझे जो पुत्र प्राप्ति का वर दिया है वह बिना दाम्पत्य धर्म के पूर्ण नहीं हो सकता, अतः अब यही वर मांगती हूँ कि मेरे पति देव जीवित हो जाएं, क्योंकि पति के बिना मैं जीवित रहना भी नहीं चाहती। आपने ही मुझे 100 पुत्र होने का वर दिया है और फिर भी आप मेरे पति देव को लिए जा रहे हैं, अतः मैं जो यह वर मांग रही हूँ कि सत्यवान जीवित हो जाएं, इसे देने से ही आपका वचन सत्य होगा। यह सुनकर सूर्य पुत्र यम बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने तथास्तु कहते हुए सत्यवान का बंधन खोल दिया और कहा, यह जीवित होकर सर्वथा निरोग हो जाएगा और तेरे साथ 400 वर्ष तक जीवित रहेगा। इस प्रकार सावित्री को वर देकर धर्मराज अपने लोक को चले गए। फिर सावित्री ने सत्यवान के पास आकर उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। थोड़ी देर में सत्यवान उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं बड़ी देरी तक सोया रहा, यह काले रंग का मनुष्य कौन था जो मुझे लिए जाता था? सावित्री ने कहा, वे श्याम वर्ण के पुत्र प्रजा का नियमन करने वाले यमराज थे, अब वे अपने लोक को चले गए हैं। सूर्य अस्त हो चुका है और रात्रि गाढ़ होती जा रही है, इसलिए ये सब बातें फिर सुनाऊंगी। इस समय तो आश्रम पर चलकर माता पिता के दर्शन कीजिए। सत्यवान ने उत्तर दिया, ठीक है, चलो। मेरा शरीर अब स्वस्थ है, किंतु मुझे इस समय अपने अंधे पिता की और माता की जितनी चिंता हो रही है उतनी अपने शरीर की भी नहीं है। मेरे परम पूज्य पवित्रतम माता पिता मेरे लिए आज कितना संताप सह रहे होंगे। जब तक मेरे माता पिता जीवित हैं तभी तक मैं भी जीवन धारण किए हूँ। पति की बात सुनकर सावित्री सत्यवान को साथ लेकर आश्रम की ओर चल पड़ी। इसी बीच में घ्युमत्सेन को दृष्टि प्राप्त हो गई और उन्हें सब वस्तुएं दिखाई देने लगी। पुत्र के ना आने से उन्हें बड़ी चिंता हुई और रानी शैब्या के सहित वे उसे सब आश्रमों में घूम घूम कर देखने लगे। तब आश्रमवासी सब ब्राह्मणों ने उन्हें धीरज बंधाया और उन्हें उनके आश्रम पर ले जाकर समझाया। इसके कुछ देर बाद सत्यवान के सहित सावित्री आ गई। उन्हें देखकर ब्राह्मणों ने कहा, लो राजन, तुम्हें पुत्र मिल गया और नेत्र भी प्राप्त हो गए। फिर ब्राह्मणों ने सत्यवान से पूछा, तुमने इतनी रात कैसे कर दी? ऐसी क्या अड़चन आ गई थी? सत्यवान ने कहा, मैं पिताजी की आज्ञा लेकर सावित्री के सहित वन में गया था। वहां जंगल में लकड़ी काटते काटते मेरे सिर में दर्द हो गया। उस वेदना के कारण ही मैं बहुत देर तक सोया रहा, इसी से आने में देर हो गई। तब गौतम बोले, सत्यवान, तुम्हारे पिता घ्युमत्सेन को आज अकस्मात दृष्टि प्राप्त हो गई है, तुम्हें वास्तविक कारण का पता नहीं है, ये सब बातें तो सावित्री बता सकती है। फिर उन्होंने सावित्री से कहा, सावित्री, तुझे हम प्रभाव में साक्षात सावित्री के समान समझते हैं, तुझे भूत भविष्य की बातों का भी ज्ञान है, तू देर होने का कारण हमें सुना। सावित्री बोली, श्री नारद जी ने मुझे यह बता दिया था कि अमुक दिन तेरे पति की मृत्यु होगी, वह दिन आज आया था, इसी से मैंने इन्हें वन में अकेले नहीं जाने दिया। जब ये सिर दर्द के कारण सोए हुए थे तब साक्षात यमराज आए और इन्हें बांधकर दक्षिण दिशा की ओर ले चले। मैंने सत्य और प्रिय वचनों से उन देव श्रेष्ठ की स्तुति की,
इस पर इन्होंने मुझे 5 वर दिए, ससुर जी को नेत्र और राज्य प्राप्त हो। 2 वर तो ये थे, मेरे पिताजी के 100 पुत्र उत्पन्न हों और मेरे भी 100 पुत्र हों। 2 ये थे तथा 5वें वर के अनुसार मेरे पतिदेव को जीवन और 400 वर्ष की आयु प्राप्त हुई। पतिदेव की जीवन प्राप्ति के लिए ही मैंने यह व्रत किया था। ऋषियों ने कहा, साध्वी, तू सुशीला, व्रतशीला और पवित्र आचरण वाली है। राजा युमत्सेन का दुखाक्रांत परिवार आज अंधकारमय गड्ढे में डूबा जाता था, तूने उसे बचा लिया। इसके बाद सब अपने अपने आश्रमों में चले गए। दूसरे दिन शाल्व देश के राज कर्मचारियों ने आकर युमत्सेन से कहा, वहां जो राजा था उसे उसी के मंत्री ने मार डाला है तथा उसके किसी सहायक और स्वजन को भी जीवित नहीं छोड़ा है। शत्रु की सारी सेना भाग गई है और सारी प्रजा ने आपके विषय में एक मत होकर यह निश्चय किया है कि वे ही हमारे राजा होंगे। आपका मंगल हो, अब आप प्रस्थान करने की कृपा कीजिए। नगर में आपकी जय घोषित कर दी गई है। फिर राजा युमत्सेन को नेत्रयुक्त और स्वस्थ शरीर देखकर उन सभी के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे और उन्होंने उनको सिर झुकाकर प्रणाम किया। राजा ने आश्रम में रहने वाले वृद्ध ब्राह्मणों को अभिवादन किया और उनसे सत्कृत होकर अपनी राजधानी को चले गए। वहां पहुंचने पर पुरोहितों ने बड़ी प्रसन्नता से युमत्सेन का राज्याभिषेक किया और उनके पुत्र महात्मा सत्यवान को युवराज बनाया। इसके बहुत समय बाद सावित्री के 100 पुत्र हुए, जो संग्राम में पीठ ना दिखाने वाले और यश की वृद्धि करने वाले शूरवीर थे। इसी प्रकार मद्र राज अश्वपति की प्राणी मालवी के गर्भ से भी सावित्री के वैसे ही 100 पुत्र हुए। इस प्रकार सावित्री ने अपने को तथा माता पिता, सास ससुर और पति के कुल इन सभी को संकट से उपार दिया। पतिव्रता सावित्री की कथा महाभारत के वन पर्व के 293 से 299वें अध्याय तक विस्तार से कही गई है। इस इतिहास से सुहागिन माता बहनों को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि पति और सास ससुर की विशेष रूप से सेवा करें। इससे कुटुंब के साथ साथ उनका भी कल्याण है।